हेलो फ्रेंड्स, आपको टाइटैनिक तो याद ही होगा। आज हम यहाँ पर टाइटैनिक से जुड़े कुछ रहस्य, किस्से और तथ्य लेकर आए हैं। दोस्तों, मान्यता है कि शिप का सफर शुरू करने से पहले गुड लक के लिए शैंपेन की बोतल तोड़ी जाती है। टाइटैनिक का सफर शुरू करने से पहले ये परंपरा नहीं निभाई गई थी। टाइटैनिक में 13 ऐसे जोड़े सवार थे जो अपना हनीमून सेलिब्रेट करने के लिए निकले थे। वहीं बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद थे जो असल में इसमें सफर ही नहीं करने वाले थे। दरअसल एक अन्य जहाज व्हाइट स्टार लाइन के यात्रियों को टाइटैनिक पर शिफ्ट कर दिया गया था। शिप पर बिल्ली को रखना शुभ माना जाता है, लेकिन टाइटैनिक पर 9 कुत्ते थे, लेकिन एक भी बिल्ली मौजूद नहीं थी। टाइटैनिक जहाज की ऊंचाई करीब 17 मंजिला इमारत के बराबर थी। वही इस जहाज की लंबाई फुटबॉल के 3 मैदानों के बराबर थी। जहाज में रोजाना 800 टन कोयला लगता था। एक और बात, टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ इस यात्रा के बाद रिटायरमेंट लेने वाले थे, लेकिन ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन गया था। टाइटैनिक के किराए की बात करें तो फर्स्ट क्लास के लिए 2,70,000 रुपए किराया था, सेकंड क्लास के लिए करीब 1,00,000 रुपए और थर्ड क्लास के लिए करीब 2,000 रुपए रकम चुकानी पड़ती थी। दोस्तों, यह 100 साल पुरानी बात है। अगर इसे आज के परिदृश्य में देखें तो एक यात्री को 50,00,000 रुपए खर्च कर टाइटैनिक पर सफर का मौका मिलता। दोस्तों, 10 अप्रैल को टाइटैनिक ने साउथ हैम्पटन से अपनी यात्रा शुरू की और 15 अप्रैल को यह दुनिया के लिए इतिहास बन गया। यह सफर के दौरान उत्तरी अटलांटिक सागर में डूब गया था। दोस्तों, हॉलीवुड, बॉलीवुड और देश विदेश की महान हस्तियों के बारे में जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।